और नेल्सन कटर उसके बाद राजन कटर संकेतों की मतलब लाइसेंस के चतुर्दा अच्छा 4-5 हज़ार से लोन दिए ये तो 20 दिन भी काम कर रहे हैं 1 लाख का दया हो गई ना। लाइसेंस लेना चाहिए सिर्फ मेरे और देखो तो भी जबकि जाना रोज अखबार पर या दिया पर रजिस्ट्रेशन पूरा जब लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है वो तो तुम क्यों नहीं लेते इसे कोई कैप नहीं पाई रक्षा रोज ऐसे इनकी चर्चा करते हैं क्यों नहीं कट्टे मारना पड़ेगा और नेल्सन कटर उसके बाद राजन कटर अगे तो भी मतलब पहला नहीं साफ करना गंदे हम से करना यार तुम और नेल कटे मैल बेचा बैक्टीरिया कितना तो बेकिंग पाउडर अच्छा बेकिंग पाउडर ठीक है थोड़ी हाँ इमली रखी हो वहाँ इतने सफाई करो तो आप बार को दोबारा बनाओ ठीक है सर आजकल पुलिस फाइल कर पीढ़ी को चली जाएंगे है पीढ़ी है ये नाम तेरा मेरा मनी है मनी मनी सुभाष कंटीन है ना सुभाष कौन है फादर साहब कितने हो जलंधर गए लाइसेंस कितने फूड का तो लोगों को आप आने जिन्ना मनी पीण नहीं सर साडा मनी नहीं है इस बार की मीटिंग में पानी यूज कर तेरा नहीं पानी ले पानी बिल्कुल नहीं है ना पानी नहीं पातना जैसे तो कुछ लाइसेंस नहीं लगा अपन सिर्फ बोतल लाइसेंस कितने कितनी सेल हो जाती रोज दी अंदाजे ना सेल कितनी हो जाती है काफी है बैठ जाना मैं उठे मेरे लाके झूठ नहीं बोलना नहीं 4-5 एक घंटा गए जो सारे दिन की सेल कर लेनी बेटा मैं नहीं होंगी अच्छा 4-5 हज़ार सेल होंगी है जे तुम 20 दिन भी काम कर रहे हैं 1 लाख रुपया हो गई ना। लाइसेंस लेना चाहिए सी फूड का मेरे देखो उधर की देखी जाना फूड का लाइसेंस लेना चाहिए सी कि नहीं क्यों नहीं लिया किन्ने चल तो कैंटीन रन कर रहे हैं मार्च अप्रैल जो ले अज कि महीना हो गया हम तो अगला अप्रैल आने लगा तो रोज अखबार पर आदि कोई रजिस्ट्रेशन फूड का या लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है वो तुम क्यों नहीं लेते हम तो सारे जिते ही जाने कैंटीन जो भी कहते हैं डिग्री कॉलेज ने तो हमने ले लेने तो ये चीज़ा तो पहले इंश्योर करनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो हम गड्डी ड्राइव कर रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस तो बिना गड्डी चला लेंगे हो तो ये फूड का काम कि फूड लाइसेंस तो बिना कर लेंगे हो कितना इंपोर्टेंट है। 2000 रुपए का लाइसेंस आज चूना ला रहा है दुध कितने आ 2 चौकी मच्छर मरिया तेरे चकना ओके मैं 10 दूरों देख के थोड़ा जहा रिज्यूम कर दे की है मच्छर खाने अच्छा स्वाद नहीं बता भुंडी आ इनफेक्ट है छोटी जी है सफाई का हत्थ तंग ही है तेरा 2 टाल ही रखे ढक के रखो तो कितों पै जाओ बिच कुछ ढक देना आ कभी किचन आप चूल्हे भी साफ कर चूल्हा देख कि हूने ही की यार तू हूने ही करी जाता साफ कर ये वॉशिंग एरिया बिच रखे इन्होंने थोड़ा जहा किचन अलग कर रखो अभी तो पार्टीशन बना थोड़ी जी कोई पर्दा रख ला पता तो लगे वॉशिंग एरिया का पानी ढके है भांडे भांडे किसी लिए मोटर चलता नहीं पानी सारे भर अच्छा तू कभी इदा तेन लगा भी जो समोसे बनाते इन्होंने कैप्स वगैरह पानिया चाहिए, नेल कट्टे होने चाहिए, कभी तू चेक किए? तेरे तो अपना ही मेरा ख्याल सीगा, तेरे तो ठीक से तेरे ही है बदे। हाँ देख ना, हाँ तेरे ही है नेल, वह मैल हैगी है ना, बदे हो कि नहीं, कटने चाहिए कि नहीं, क्यों नहीं कट्टे? लाइसेंस लेना चाहिए अज घट है ना, कदों तक कर लेंगे। इंप्रूवमेंट नोटिस दे दो मनीष इन्होंने। हाँ तेनों अज असी कोई सैंपलिंग नहीं कर रहे, अज असी तुहानूं इंप्रूवमेंट नोटिस दे चाहिए। अज साडी विजिट इस करके तुहानूं मौका देता, सुधार कर लो अपना, ठीक है। मैं सुधरिया काम भी देखना आना, तो फिर मैं सैंपल भी लैके आना, ठीक है। दुध दुध ढाके रखो, मच्छर मक्खी नहीं होनी चाहिए। फूड के काम में इन्ना हल्के तौर पर ना लाओ मेरे वीर, इन्ना तेरा मनी मनी इन्ना हल्के नहीं लैन देना थानू। असी फूड जिन्ना तुसीं लै रहे हो, उदा पंजाबी है तो पिछों पिछों पंजाबी है, इतों का ही आ। तो तू क्यों इदा करता, ज़्यादातर दूजे इदा करते, तू क्या करना? पंजाबियों तो वैसे थोड़ा जि पता होता है। स्पाई कर तेल खुले करा दे चक, तेल नवा तेल पाने वाले साफ कर। हेलो मटर इन बुलाओ इधर। हाँ जी सर। हाँ 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 मटर छांटी तेरे कहने करनी है, बाहरों होना कहना होने लैके तेरे खराब का की मतलब आ। ये अच्छे मटर नहीं है, जोड़े मटर अज कल आए आज दे नहीं है, रेहड़ी तो बाहरों मंडी चंगी जगह तो लैके आ, ये है ही नहीं क्वालिटी दे तेरे दस्ता। आ की है मटर तेरे ये अज दे फ्रैश मटर इदा हो जाता। मैं भी फ्लाई कैचर लाया मक्खियां मुक्खियां मारन लगे। अच्छा बैन हो गलास आ जो नहीं वरत सकते वो क्यों रखे हुए आजकल तो मटर फ्रैश आने इन्हों भी ठीक करना चाहिए, ठीक है। पनीर तो भी खट्टी सलाद आ रही, कल पनीर तो थोड़ा जहा है ना। मैं तेरा मतलब साफ करना, तेरे फूड सेफ्टी गियर नहीं किसी ने भरते, लाइसेंस तेरे को नहीं है। ये सैक्ट्रेट है जिते डीसी साहब बहते आ, सारे SSP ऑफिसर, सारे मुलाजम सारे आ। तू पढ़े लिखे बंदों को फूड दे रहा, फिर पब्लिक इन्नी जिले की आती है, तू तेनों चीज़ा इंश्योर करनिया चाहिए। असं तो नहीं इस वाश कैंटीन पर खड़े ना सैक्ट्रेट हुशियारपुर, हम आपू ये चीज़ा तेनों तो सोशल मीडिया का जमाना है, रोज़ गल्लां पता लगदियां कि लाइसेंस लैना कितना जरूरी है। आपने फिर उधर गौर ही नहीं करते। आप तेरे किसी बंदे वर्कर ने कैप नहीं पाई, तेरे खुद के नेल बधे हुए बच्चे, वो तू बना आलू छिल रहा सी परौंठे पता नहीं समोसे बनाने लगे, मतलब मैल किन्नी आ वो नेल्स में, वही लोगों को खुआ देंगे। कोई फूड सेफ्टी का म्यार भी तो होना चाहिए ना बच्चे। आप रोज़ इन्ना रौला पाने, वो बंदा दूरों ही वीडियो देख के ही सीखने होंगे भी मैं विजिट करा तो ही सीखना है। ये चीज़ा ठीक करना, तेन नोटिस दे चलना इंप्रूवमेंट नोटिस, ये तो बाद जो मैं विजिट करना तो तेरा चलान करना, मैं अनहाइजीन का चलान कट के जाना, केस भुगती, नाले तेरे इनफोर्समेंट के सैंपल लैके जाऊँगा। तेनों मौका देता तो इन्ना टाइम देता, जे किसी के गियरस फूड सेफ्टी ना ना पाए हुए तो फिर तेनों फिर लीगल एक्शन लवांगे तेरे खिलाफ। अज इत्थे असीं सैक्ट्रीएट में खड़े हैं, सुभाष कैंटीन है, तो लोगों के कॉमेंट्स मिलते हैं, लोगों दियाँ कंप्लेंट्स मिलती फोन पर भी, तो कैंटीन भी चैक करो, कॉलेज की कैंटीन चैक करो, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ कोई दिन आवे जिहड़ा वो टाइम आ जाए, लोग इन्ने अवेयर हो जाण ते लोग इन्हां नूं आप पॉइंट आउट करना शुरू कर देण वी जिथे इन्हां दे नुक्स है। सो अज इत्थे विजिट कीता कैंटीन विच ते देख रहे हैं फूड सेफ्टी दे मेजर कोई नहीं लए होए ते जद कि इत्थे पढ़े लिखे वर्ग होर सारे जिहड़े मेन ऑफिसर जिले दी एडमिनिस्ट्रेशन सारी इत्थे है। सो ये सैक्ट्रीएट विच साडा इनू इंप्रूवमेंट नोटिस दे चुके हैं। मकसद सिर्फ यही है ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫੂਡ, ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਤੇ ਸੇਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਣ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਤਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਾਤਾ। DAV ਕਾਲਜ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੂਡ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਿਜੇ ਉੱਥੇ DAV ਕਾਲਜ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਲੜਕਾ ਮਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਲਜ਼ ਵਧੇ ਆ, ਮੈਲ ਫਸੀ ਹੋਈ ਔਰ ਆਲੂ ਛਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀ اخਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਮਿਆਰੀ ਫੂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਬਾਈਲੈਟਰਲ ਅਪਰੋਚ ਆ ਸਾਡੀ ਦੋਨੇ ਤਰਫਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੈਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਾਸੀ ਸਾਡਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਫੂਡ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪਨੀਰ ਵੀ ਖੱਟਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮਟਰ ਗਲਿਓ ਸੀਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋਰੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਾਂ ਵੀ ਔਰ ਤਦ ਤਾਈਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਮਿਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।